नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी, अस्सलामुअलैकुम। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अजय कुमार उर्फ लल्लू गुज़स्ता रोज़ मऊ के मोहम्मदाबाद गोना थाना इलाका के वलीदपुर कस्बा पहुंचे और गैस सिलेंडर हादसे में मरने वालों के अहले खाना से मुलाकात करते हुए अहले खाना के दुख और गम में शरीक होकर इजहार हमदर्दी की और मुतासर कुंभों को हर मुमकिन तआवुन फराहम कराने की यकीन दहानी कराई। उसके बाद वो मऊ ज़िला के घोसी असम्बली हलका में हो रहे ज़िमनी इलेक्शन की एक अवामी मीटिंग को खिताब करने के लिए कोपागंज के हंसापुरा के मैदान में पहुँचे, जहाँ पर पार्टी कारकुनान ने कोपागंज मीटिंग के कन्वीनर और ज़िला कांग्रेस कमेटी शोबाया अकलियत के चेयरमैन समीउल्ला अंसारी की क्यादत में रियासती सदर का गुलपोशी करते हुए ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। इस दौरान इजलास आम को खिताब करते हुए रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने कहा कि 30 वर्षों से जब से रियासत से कांग्रेस पार्टी इख्तदार से दूर हो गई है, तब से इस रियासत का हाल क्या है, सपा बसपा और भाजपा ने कर दिया है, आज हालात क्या हैं, किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, गन्ने के बकाए की अदायगी नहीं हुई, गन्ने के बकाए की रकम अब तक 6,000 करोड़ रुपये है। इस सरकार ने किसानों से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 14 दिनों के अंदर गन्ने के बकाए की अदायगी करने का काम करेंगे, लेकिन इस सरकार ने तो गन्ने के बकाए की अदायगी की बात तो छोड़ दीजिए, गन्ने के नज़मों का भी अब तक कोई बंदोबस्त नहीं किया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आबरूरेजी के जिस मुलजिम को जेल की सलाखों में होना चाहिए, उसे मेडिकल के बहाने सरकार PGI अस्पताल में ले जाकर पूरा तहफ़ फराहम करती है, और जो मुतासर इंसाफ की बात करती है तो उसे जेल की सलाखों में डालने का काम बीजेपी की योगी सरकार करती है। जब कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक अवामी मसाइल को लेकर जद्दोजहद करती है तो यह सरकार पार्टी के वर्करों को जेल की सलाखों में डाल देती है। उन्होंने रियासती वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि उनकी चाल और किरदार से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के दौरान मासूम बच्चों की जान बचाने वाले हीरो डॉक्टर कफील खान, जब बच्चों को बचाने के लिए उसके मुंह में अपना मुंह डालकर उसे सांस देकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये योगी उस डॉक्टर कफील खान को अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 9 माह तक जेल भेजने का काम करता है। उन्होंने कहा कि आज सभी लोग मसाइल को लेकर काफ़ी मायूस हैं। कभी पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहा जाता था, बुनकरों को रोज़गार देने के लिए 30 साल कबल कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, बिजली पर सब्सिडी मिलती थी, उसकी सनत को बढ़ाने के लिए हर तरह के इजाफी बजट देने का काम करती थी, लेकिन जब से इस रियासत से कांग्रेस गई है, इस प्रदेश का क्या हाल हो गया है। उन्होंने रियासत की बदहाली के लिए सपा बसपा और भाजपा को मुर्द इल्ज़ाम करार दिया। उन्होंने कहा कि मऊ ज़िले में 2-2 कॉटन मिलें बंद हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी। आलू पैदा करने वाले किसान जब असेंबली हाउस के सामने अपने आलू को सड़कों पर फेंक कर मुजाहरा करते हैं तो यह सरकार उन किसानों पर भी मुकदमा लिखवा कर उन्हें जेल भेजने का काम करती है। जमहूरियत का चौथा पिलर समझे जाने वाले सहाफ़ी जब मिर्ज़ापुर में एक इब्तदाई स्कूलों की सच्चाई देश के सामने लाते हैं और उन स्कूलों में बच्चों को नमक रोटी खिलाने की खबर शाया करते हैं तो यह सरकार उस सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा लिखवाकर उसे जेल की सलाखों में डालने का काम करती है। हर रोज़ इनकाउंटर, हर रोज़ पुलिस के इस्तेहसाल का शिकार मुल्क के नौजवान हो रहे हैं। आज ही हापुड़ में एक शख्स को पुलिस वालों ने मार मार कर कत्ल कर दिया। अमेठी में एक नौजवान को पुलिस लॉकअप में मार पीट कर उसका कत्ल कर दिया गया। इतना ही नहीं, हर रोज़ नई नई वारदात अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है। उन्होंने घोसी से कांग्रेस उम्मीदवार राजमंगल यादव के लिए दामन फैलाकर वोट मांगते हुए कहा कि आप 21 तारीख को हाथ के पंजे पर वोट देकर उन्हें कामयाब बना दीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ पूरी तरह खड़े होकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आखिर में प्रोग्राम के कन्वीनर
समीउल्ला अंसारी ने सभी शुरखा का इजहार तशक्कुर पेश किया। हम सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डालने का काम ये सरकार करती है। कहना चाहता हूँ आपके बीच में आया हूँ, मैं आपके आपके बीच का हूँ, आपका साथी हूँ, आपके साथ हमदर्द रखने वाला है, आपके बीच का सिपाही हूँ। मैं कुशीनगर का विधायक हूँ और बगल में गोरखपुर है। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, कभी सांसद हुआ करते थे, आज मुख्यमंत्री हैं। ये मुख्यमंत्री का चेहरा, चाल और चरित्र पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आपको याद होगा एक कफिल खान जो डॉक्टर भगवान के रूप में जिसकी मान्यता दी जाती थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, जब बच्चे ऑक्सीजन से मरते हैं, वही लोग कपिल खान उन बच्चों को बचाने के लिए मजबूती के साथ जंग लड़ता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन के कमी के नाते बच्चे मर रहे होते हैं, वह मुंह में मुंह डालकर सांस लेकर किसी तरह बच्चे को जिलाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन ये जहां मुख्यमंत्री को उस डॉक्टर कपिल खान को अपने पीठ थपथपाना चाहिए था, उसे शाबाशी देना चाहिए था, लेकिन अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से मरने वाले बच्चों के मौत पर पर्दा डालते हुए उस कफिल खान को 9 महीने तक जेल में भेजने का काम यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने करने का काम किया था। तमाम जन समस्या है, चाहे किसान हो, उनका भाई हो, सारे लोग आज हताश और निराश। कभी पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहा जाता था, कभी बुनकरों के लिए तमाम व्यवस्थाएं देने का काम पिछले 30 वर्ष पहले कांग्रेस की हुकूमत किया करती थी, बिजली में सब्सिडी देती थी, उनके उद्योग को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के अलग अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करने का काम करती थी। लेकिन आप जरा बता दीजिए, 30 सालों से जब से कांग्रेस की हुकूमत इस प्रदेश से गई है, इस प्रदेश का क्या हाल इन 30 सालों में सपा बसपा और भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। आज हालात क्या है, किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं, गन्ने का बकाया अब तक 6,000 करोड़ रुपया बकाया है। जिस सरकार ने किसानों से कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 14 दिन के अंदर हम गन्ने का भुगतान देने का काम करेंगे, लेकिन वो सरकार आज सरकार बनने के बाद गन्ने के भुगतान के बारे में तो बोलना तो छोड़िए, गन्ने के भुगतान की व्यवस्था करने में भी कतराने का काम कर रही है। मैं मोहम्मद समीउल्ला अंसारी, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग मऊ। और हमारे यहाँ जो हमारे उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, सबसे पहले मैं सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और प्रियंका जी को मुबारकबाद और उनका भी इस्तकबाल करता हूं कि वो ऐसे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो ज़मीन पर से उठकर वो प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर गया है। मैं उन लोगों सारे लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुंसापुरा इमली बाग में किस तरीके का प्रोग्राम है? प्रोग्राम ये घोसी विधानसभा 354 उपचुनाव चल रहा है और हमारे प्रत्याशी श्री राजमंगल जी जो एक नौजवान कार्यकर्ता की हैसियत से माननीय सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी उम्मीदवार जो मनोनीत किए गए हैं उससे उनको जिताने के लिए, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए, उनकी क्वालिटी को बताने के लिए, कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली को बताने के लिए वो आए थे और उनको अपील किए हैं कि यादव समाज और मुस्लिम समाज मिलकर और सभी जातियां मिलकर कांग्रेस पार्टी को वोट करें जो सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें।
अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके आपके प्रोग्राम में आने से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उनके आने से हमें उम्मीद लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिलने की वजह है कि उन्होंने जो बात जनता के सामने रखी है वो जनता के दिल की बात रखी है, जो जनता चाह रही है उस चीज़ को उन्होंने रखा है कि हम ये काम करेंगे। और जो भी जो छोटे लेवल से ऊपर लेवल पे जाता है तो छोटी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानता और परखता है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि इनके आने से हमारे मुस्लिम समाज भाई और सभी जात के लोग राजमंगल जी को वोट करेंगे और ये जीत हम फाइट करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। उससे भी अल्ताफ अंसारी जी मिले और उनका बैठ चला, उन्होंने अपने वर्ड में बोला कि जो ये है राजमंगल यादव जीरो है। हाँ, वो जीरो है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा में चल रहे हैं, चारों तरफ से नौजवान राजमंगल जी की आवाज उठ रही है कि भाई ऐसे ईमानदार नेता जो है वो मैदान में आया हुआ है, उसका हम पूरा सपोर्ट करेंगे। यादव बिरादरी 80% हमारे साथ है, मुस्लिम माइनॉरिटी भी साथ है। वो एसपी के जो कैंडिडेट हुए हैं वो दो पत्नी रखे हुए हैं और क्या? दो पत्नी का नतीजा ये है कि वो खुदे FIR दर्ज हो गया है। अगर वो फाइट करते हैं तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो एमपी का हम इलेक्शन लड़े हैं वही हाल विधानसभा इलेक्शन का हो जाए। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि मतलब सुधाकर सिंह को बड़ा नुकसान होने वाला है? पूरा पूरा यकीन दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे सुधाकर सिंह का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और सुधाकर सिंह आजाद कैंडिडेट है, वो एसपी के कैंडिडेट नहीं है, उनका कोई भरोसा नहीं है कि जीतने के बाद वो कहां और किस तरह से जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब आप सुबह जाहिर कर रहे हैं, कहां जा सकते हैं, कुछ उम्मीद? अब क्या, जहां फायदा होता है वहीं पे ना आदमी जाता है। अब मैं खोल के कहूं तो ही सही है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग समझते हैं कि वो कहां जा सकते हैं। तो फायदे के अनुसार वो कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, आज की इस जनसभा से क्या लगता है कि ये कोपा की जनता जो घोसी उपचुनाव हो रहा है, क्या लगता है कि इस जनसभा से कि लोग वाकई कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट उठे हैं उनको लाइक कर रहे हैं या फिर वोट देंगे? लाइक तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं जी, बहुत ज्यादा उनको लाइक कर रहे हैं, क्योंकि राजमंगल जी युवा नेता है, उसके पास कोई FIR नहीं, कोई बेईमानी वाली FIR तो अभी पुलिस ने की है। पुलिस ने FIR की है तो वो भी तो वजह जान लीजिए कि जिसका कद बढ़ता है तो उसी के पीछे तो सत्ता पीछे पड़ती है, वजह तो ये है ना जी। शुक्रिया।